अच्छा, तो जर्नल वेव्स में हमारे पास 16, 17 बेसिक थ्योरेटिकल है। दोनों के आंसर्स जल्दी से आप मार्क कर सकते हो। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन डिफरेंट वेज, इन विच सिचुएशन इज एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय वेव मोशन। तो वेव मोशन किस में फॉलो कर रही है, आपने ये बेसिकली आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, इन्होंने लिखा है कोलाइडिंग एटम इन हीटेड कॉपर रॉड, तो बेसिकली अब वो बात कर रहे हैं कॉपर रॉड की। कॉपर रॉड सॉलिड है, सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशन होती है, ठीक है, वेव्स नहीं बनती, इसमें सिर्फ वाइब्रेशन होती है, तो ये पॉसिबल नहीं है हमारे पास। और फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इन अ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, बेसिकली सीआरओ आपका स्किप एक्सक्लूड हो चुका है, तो इसलिए सीआरओ का थोड़ा बहुत आइडिया हमें नहीं होगा इतना ज्यादा, ठीक है। लेकिन सीआरओ में भी बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम वेव सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं बेसिकली, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में तो मूव नहीं करता, डिफ्लेक्शन होती है बस उसमें। और हॉट वाटर राइजिंग इन अ हीट सॉस पैन, वो भी पॉसिबल नहीं है, सिंपल सी बात है, रिपल टैंक में ही वेव्स बनती है, डी आपके पास पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि हॉट वाटर भी जब राइज करता है तो उसमें रैंडम होती है मोशन, आपके पास कोई स्पेसिफिक पैटर्न तो नहीं होता उसमें, तो डी ऑप्शन आपके पास राइट चॉइस है। और उसके बाद 17 में विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल्स एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव का कॉन्सेप्ट देना है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब ये कि स्ट्रेट लाइन में वाइब्रेशन, स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेशन, आपने दोनों को स्ट्रेट लाइन में कंसिडर करना है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ कि कौन आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव दिखा रहे हैं यहाँ पर, बी, क्योंकि हमने सॉलिड की बात की है, सॉलिड का मतलब अगेन वाइब्रेशन, तो पार्टिकल्स एक जगह पर रहते हुए अपने फिक्स पॉइंट के अराउंड वाइब्रेट कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब ये वेव आपके पास जनरेट हो रही है और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जब ये बॉल को आके हिट करेगी तो बॉल की मूवमेंट कैसी होगी, सोच के बताना है इसमें, क्योंकि अभी हम ट्रांसवर्स को डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, एक बार दोबारा देख लेना अगर कंफ्यूजन हो तो। इसमें जो हमने बेसिक्स डिस्कस की है उसी से रिलेटेड हमारी बेसिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब दोबारा आते हैं। अब बेसिकली आपके पास, आपको याद होगा कि हमने वाइब्रेशन अप एंड डाउन कंसिडर की थी, और वाइब्रेशन अप एंड डाउन का मतलब है प्रोपगेशन फॉरवर्ड थी, ठीक है। तो वेव की डायरेक्शन तो मेंशन है, वाइब्रेशन आपके पास अप एंड डाउन होगी, तो अप एंड डाउन में भी दो ऑप्शन है, सी और डी। तो सी और डी का मतलब ये है कि ट्रफ आपके पास नहीं। देखो अब पता है क्या मिस्टेक होती है हमारे पास, यहाँ पर हम यही मिस्टेक करते हैं। हमने जब एक चीज डिस्कस की ट्रांसवर्स में कि वाइब्रेशन हमेशा आपके पास परपेंडिकुलर होती है प्रोपगेशन के, तो जब उन्होंने आपको पहले से बता दिया कि डायरेक्शन ऑफ वेव फॉरवर्ड है, तो इसका मतलब है वाइब्रेशन अप एंड डाउन होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमेशा ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर केस बनता है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास डी होगा। अच्छा, सी में भी अप एंड डाउन है हम कह सकते हैं, तो उसमें भी, लेकिन आपको पता है कि बॉल के ऊपर ही सरफेस से अप एंड डाउन पॉसिबल नहीं है, बॉल नीचे जा सकती है मीन पोजीशन से और ऊपर आ सकती है, तो डी राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नाइनटीन इजी आप कर सकते हो। 2 हर्ट्स लिखा हुआ है, 2 हर्ट्स का मतलब है 1 मिनट में आपके पास कितनी वेव प्रोड्यूस होंगी। अच्छा, सोच के बताना है इसमें, दोबारा से एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, फिर से दोबारा आंसर्स देखो। देखो वो जो आपको टर्म लिख कर देता है ना, टर्म के बेसिक डेफिनेशन याद रख के आंसर दिया करो, तो मिस्टेक नहीं होगी कभी भी क्वेश्चन में, ठीक है। उन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू 1 पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो जब आपने 1 सेकेंड पढ़ा है वहां पर, तो जब वो आपसे 1 मिनट की बात कर रहा है, तो 1 मिनट में तो 60 सेकेंड होते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, ठीक है। उन्होंने ऊपर पहली लाइन में कहीं भी मिनट लिखा ही नहीं, उन्होंने कहा कि बस फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में 2 वेव्स बन रही हैं आपके पास, या 2 वेव्स पास हो रही है किसी स्पेसिफिक पॉइंट से।
इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में आपके पास, अगर आपने वेव फाइंड करनी है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन में सेकंड आता है, और इस वजह से हमारे पास जो आंसर था वो ए होगा, बी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उन्होंने मिनट्स अगर पहले लिखा होता, सेकंड बाद में पूछ रहे होते तो हम डिवाइड करते। खैर, 20 में उन्होंने पूछा था, डायग्राम शोज द पैटर्न ऑफ वेव्स इन अ रिपल टैंक, बट डज द पैटर्न शो, पैटर्न आपको क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, रिफ्रैक्टेड दिखा रहा है, वेव्स चेंजिंग? ठीक है, सिंपल, आपके पास सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल से वेव आपके पास स्ट्राइक हो रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अच्छा, रिफ्रैक्टेड अगर होती ना तो वो मीडियम चेंज कर लेती है, ठीक है? ये हमारा मीडियम वन था, लेट सपोज जिस साइड से हम आ रहे हैं वो हमारा मीडियम वन है, अगर वो वेव दूसरी साइड पर चली जाए, क्योंकि रिफ्रैक्शन आपने लाइट में भी पढ़ा होगा, लाइट में आपको याद होगा कि उसमें लाइट ब्लॉक नहीं होती, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, लेकिन पाथ चेंज हो जाता है, तो बी नहीं होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, साइज भी चेंज होता है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, एंगल भी डिफरेंट होता है, ठीक है? हाँ, इसमें आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में भी देख लो आपने क्या बताना है, रिफ्लेक्टेड वेव वेव फ्रंट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ सर्कल, वेयर इज द सेंटर ऑफ दीज सर्कल। अच्छा, पहले उन्होंने आपसे कहा है कि इन अ रिपल टैंक अ वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस सर्कुलर वेव विच हिट अ फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस को हिट किया, और हिट करने के बाद बेसिकली आपने ये बताना है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होंगी वो भी सर्कल का पार्ट है, और आपने ये बताना है कि सेंटर आपके पास सर्कल का कहाँ होगा। ठीक है, और बी, ओके। अच्छा देखो, अगर आप इसकी एग्जांपल लो ना, जो क्वेश्चन दिया उन्होंने आपको, तो क्वेश्चन को आप देखो बेसिकली, ठीक है? अभी बाकी डायग्राम को छोड़ दो, अगर आप क्वेश्चन देखो तो आपके पास जो वाइब्रेशन के लिए सोर्स था वो इस पॉइंट पे कनेक्ट है, और अभी ये सेमी सर्कल बन रहा है, ये कंप्लीट सर्कल नहीं बन रहा, तो सेमी सर्कल का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको सर्कल कंप्लीट कर दूं तो जो डायग्राम दी है क्वेश्चन में उसका सेंटर कहाँ पर होगा, यही उसका सेंटर बन जाएगा जो वहां पर आपने वाइब्रेशन के लिए पॉइंट लगाया है, ठीक है? तो अगर आप रिफ्लेक्शन को शो करना चाहते हो, तो रिफ्लेक्शन को शो करने का मतलब ये हुआ कि द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ सर्कल्स, बट वेयर इज द सेंटर ऑफ दीज सर्कल्स, तो उन सर्कल्स का सेंटर आपके पास कहाँ होगा, ये आपने बताना है। तो बेसिकली जब आप रिफ्लेक्शन को ड्रॉ करोगे, अब वाइब्रेशन के लिए आपके पास सोर्स वाइब्रेटर यहाँ पर लगा हुआ है इस पॉइंट पर, और अब आपने बताना है कि वेव्स जो अब आपकी रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो उनका आप सेंटर कहाँ ड्रॉ करोगे। अब इसमें देखो, आपके पास जब रिफ्लेक्शन होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद बेसिकली जब आप सेंटर बनाना चाहोगे, तो सेंटर बनाने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर इन्होंने देखो फ्लैट सरफेस यहाँ पर रखा है, और वाइब्रेशन के लिए जो है वो वाइब्रेटर दूसरी साइड पर रखा हुआ है, तो जब आप इसमें सेंटर फाइंड आउट करना चाहोगे, तो सेंटर फाइंड आउट करने में आपके पास जब वेव्स बनेगी दोबारा, ठीक है, तो वेव्स बनाने के लिए आपके पास जब सेंटर दोबारा से बनेगा,
क्योंकि बेसिकली आपके पास इसमें हुआ क्या है कि जब हम रिफ्लेक्शन बनाते हैं ना जिस तरह मिरर में, तो मिरर में आपको याद होगा कि राइट और लेफ्ट पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपके पास मिरर दिया होता है, अब आपको पता है कि मिरर से पीछे तो इमेज बन नहीं सकती, लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और हम इमेज उसकी यहाँ पे मार्क कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इन्होंने भी आपको मिरर इमेज दी है, तो मिरर इमेज का मतलब ये हुआ कि आप इसको रिवर्स ऑर्डर में बनाओगे, ऊपर की तरफ वेव्स नहीं बनाओगे, आप डाउनवर्ड बनाओगे मिरर, ठीक है। बेसिकली यहाँ से वेव्स जा रही थी फॉरवर्ड और आप रिफ्लेक्शन उसकी दूसरी साइड पे शो करके दिखा रहे हो, जिस तरह हम मिरर में करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक बस ये था, तो इस वजह से आपका जो सेंटर बनेगा वो ए बनेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने वेव को इसी ऑर्डर में बना दिया तो इसका मतलब है वाइब्रेशन की तो डायरेक्शन यही थी, तो आपने इसी डायरेक्शन में वेव्स बना दी, आपने इसके ऑपोजिट बनानी है फ्लैट सरफेस पे, और ऑपोजिट का मतलब ये हुआ कि वो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। इसमें बेसिकली मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐड किया इन्होंने, तो ए आपके पास सेंटर होगा जिस तरह मिरर में रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन है उसमें जहाँ पे वाइब्रेटर रखा हुआ है उन्होंने, जी वो हमारे सेंटर वो हमारा सेंटर है, है हाँ वो उस वक्त का सेंटर है जब हम पहली बारी डायग्राम को कंसीडर करेंगे, तो सर ठीक वो कैसे सेंटर है ये समझा दो। है। वो कैसे सेंटर है, वो सेंटर इस तरह से कि अभी ये सेमी सर्कल्स हैं, अगर आप इन्हें सर्कल कंप्लीट कर दोगे ना, सब सर्कल्स को कंप्लीट कर दो तो सबका सेंटर वही बनेगा, ऐसा ही है। यस तो ये वाला रीजन है क्योंकि उन्होंने हमें सेमी सर्कल दिया है और लिखा उन्होंने सर्कल है, तो अगर आप उन्हें सर्कल्स कंप्लीट कर दोगे तो सेंटर अल्टीमेटली जहाँ पे वाइब्रेटर लगा हुआ है वही सबका सेंटर बनेगा, ठीक है। और अगर आप इसको वहीं से कंटिन्यू करते हुए आओ अपने डायग्राम को, तो ये डायग्राम आपके पास अगर यहाँ से कंटिन्यू होती भी आती है और इसको आके रिफ्लेक्ट करती है, तो आप यहाँ से भी सीक्वेंस ले सकते हो। वरना बेसिकली उन्होंने आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, उन्होंने मिरर इमेज की तरह रिफ्लेक्शन दिया जिस तरह से हम मिरर्स में करते हैं, भाई ये डिफरेंस था इसमें, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल लगता है, इसमें कंफ्यूजन भी होती है, आंसर हम गलत भी मार्क करते हैं, तो लॉजिक इसकी यही यूज होती है कि इसमें बेसिकली मिरर इमेज की तरह से आपको रिफ्लेक्शन पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके पास डायग्राम से कैलकुलेशन करनी है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इसमें आपने बेसिकली बताना है स्पीड ऑफ द वाटर वेव, अभी स्पीड का आपको फॉर्मूला तो पता ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम बस ये है कि आपके पास कैलकुलेशन आपको ग्राफ मतलब डायग्राम से खुद करनी होगी। तो बेसिकली उन्होंने आपको डिस्टेंस और एक पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, एक पे डिस्टेंस दिया हुआ उन्होंने, इस तरह की कुछ सिचुएशन दी और आपने कैलकुलेट करनी है स्पीड। तो स्पीड कैलकुलेट करने का मतलब ये होगा कि स्पीड कैलकुलेट कैसे करोगे आप, यहाँ पे एक उन्होंने लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ दी है और एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दी है फॉर वाटर वेव्स, ठीक है। आपने बताया ऑप्शन, अच्छा सॉरी ये तो पिछले वाले का है। अब आपने इसमें कैलकुलेशन करनी है, आपने बताया डी आंसर, ठीक है, डी आंसर किस तरह से होगा कि आपके पास डिस्टेंस कवर हुआ है 3 सेंटीमीटर और टाइम कितना है 0.06, ठीक है। तो सिंपल सा आप दोनों ग्राफ से वैल्यूज ले सकते हो, ठीक है, और दोनों को आप फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करो स्पीड के, ठीक है, तो वी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस सर आपका। मैंने किया है कि मतलब एक क्रस्ट और एक क्रफ होता है ना हमारी एक वेव, ऐसे ही है, तो ऐसे भी ठीक है क्योंकि ऐसे आंसर भी सेम ही। आंसर सेम आ रहे हैं, लेकिन वैसे बेसिकली हम इसमें ऐसे करते हैं कि पूरा वेव। हाँ अच्छा, आप चाहो तो वेव से भी निकाल सकते हो, वरना उनका देने का रीजन ये था कि डिस्टेंस यहाँ से ले लो आप, स्पीड टाइम यहाँ से ले लो और फॉर्मूला ये यूज कर लो, ठीक है। नो मेरा मतलब है कि हम एक क्रस्ट और एक ट्रफ वाला जो आया कि ये एक वेव होती है ये यूज करें या पूरा 3 और 0.06, क्योंकि मैंने 2 और 0.04 को यूज किया अपनी वैल्यूज में। सेम आएगा आंसर क्योंकि वेव यूनिफॉर्म है, तो आप एक वेव का लो किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट, अगर आप ये ले रहे हो तो टाइम भी यही लेना, तो आंसर सेम ये आएगा। प्रेफ लेकिन मैं वैसे पूछ रही हूँ कि प्रेफर्ड क्या है।
इसमें यही होता है कि आप कंप्लीट वही क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ कंसिडर करो, लेकिन अगर आपको वेव यूनिफॉर्म नजर आ रही है, रीडिंग्स भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, तो चॉइस होती है। जिस तरह यहाँ पे बिल्कुल यूनिफॉर्म है, 1 2 3.02.0.4.0.6, तो इक्वल इक्वल होता है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। कहीं कहीं वो ऐसा करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म, सिर्फ क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ ट्रफ होता है या एक क्रस्ट और एक ट्रफ भी होता नहीं क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ, एक क्रस्ट और एक ट्रफ से बन जाता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे होते। है? तो जो मैंने किया वो 2 और 0.04, ये क्या, ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ था? हाँ, इसमें बेसिकली आपकी एक वेव तो कंप्लीट हो गई ना, एक वेव तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मेजर करने के लिए हम इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि बेसिकली हमारा जीरो से स्टार्ट हो रहा होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट लेते हैं ताकि हमारे पास वैल्यूज हो एक्स वाई दोनों पर। फिर कैसे मैक्सिमम पॉइंट्स लेंगे, हाँ, तो इसलिए यानी आप, एक ट्रफ टू ट्रफ कैसे लेंगे? तो हम इसलिए ट्रफ टू ट्रफ या क्रस्ट टू क्रस्ट लेते हैं। ठीक है, नहीं इधर कैसे लेंगे? इसमें कैसे लेंगे? अच्छा, इसमें वैसे खैर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमारे पास नहीं था क्योंकि दोनों जगह हमारे पास वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट और एक्स पे क्वांटिटीज डिफरेंट है। तो अगर हम वेवलेंथ फाइंड आउट भी करना चाहते हैं यहाँ से, तो पहले में से तो हमें वेवलेंथ मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पर हमें वेवलेंथ नहीं मिलेगी क्योंकि नीचे टाइम लिखा हुआ है, नीचे एक्स एक्सिस पे टाइम है, क्वांटिटी चेंज कर दी इस वजह से। तो यहाँ पर आपको डायग्राम के कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिंपल वैल्यूज यूज कर लो। ठीक है, जब डायग्राम इसमें आएगा ना, डायग्राम से कैलकुलेट करने वाला भी क्वेश्चन होगा, तो उसमें फिर हम देखेंगे कि कैसे मेजर करते हैं। एक्चुअली आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर कि फिर मेरा जो मैंने पढ़ा था ना कि एक क्रश और एक ट्रफ भी आपकी एक वेव होती है, इज इट करेक्ट? वो बिल्कुल सही है, लेकिन जब मेजरमेंट करते हैं ना, तो मेजरमेंट का मेथड ये होता है कि हम क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ टू ट्रफ, ये बिल्कुल सही होता है कि आपकी एक वेव यहाँ कंप्लीट हो रही है। अगर आप वेव काउंट कर रहे हो ना, तो आप बिल्कुल ऐसे ही करते हो कि आपका एक क्रस्ट एक ट्रफ कंप्लीट हुआ तो आपकी एक वेव हो गई। ठीक है, हमने भी इसी तरह से पढ़ा था, हम भी इस तरह से वेव में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जब कैलकुलेशन की बात आती है ना, तो आइडियल सिचुएशन यही होती है कि आप मैक्सिमम पॉइंट से लो। ठीक है, हाँ, तो बस ये आपके पास छोटा सा एक डिफरेंस होता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्रस जीरो से लेकर एक वेव भी अगर कंसिडर करके भी हम कैलकुलेट करें तो आंसर सही आता है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही होता है कि अगर हम मार्किंग्स लेते हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ तो वाइब्रेशन ही नहीं हो रही, तो जब वाइब्रेशन ही नहीं हो रही आपके पास, तो आप फिर मार्किंग किस चीज़ की कर रहे हो? ठीक है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, तो वाइब्रेशन ही नहीं है कुछ भी, तो ये मसला बस। तो इस वजह से हम जो है वो डिफरेंस लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या बताना है, स्टूडेंट यूजेस अ स्प्रिंग टू डेमोन्स्ट्रेट वेव, ही मूव्स द स्प्रिंग विद हिज हैंड, विच डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस बाय अ सोर्स ऑफ साउंड, बी। ठीक है, कंप्रेशन रियरफेक्शन आपको देखना था, तो बिल्कुल सही है, बी में आपको जो है वो यहाँ पे कंप्रेशन भी नजर आ रहा है, फिर रियरफेक्शन नजर आ रहा है, फिर अगेन कंप्रेशन रियरफेक्शन, तो बी आंसर बिल्कुल सही, सिंपल है। एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव बताना है, चार ऑप्शन है आपके पास। बी, ठीक है, बिल्कुल सही, इजी है ये भी, इसमें आपके पास बी होगा आंसर, कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसमें लिखा हुआ है बैक एंड फोर्थ। अब हम, हाँ बिल्कुल सही, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, दोनों आपके पास सेम कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इसमें ये है कि विच डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट वाटर्स वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम डीप वाटर टू शेलो वाटर। अच्छा, एक आंसर आ गया सी, अगर ये 25 का ही दिया है, पिछले में तो खैर बी था। हाँ, अब इसमें आपके पास डीप टू शैलो वाटर जा रहे हैं, और डीप टू शैलो वाटर में आपने ये बताना है कि कौन सी डायग्राम आपके पास बिल्कुल करेक्टली रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, इसमें पता है क्या होता है,
अब इसमें आपके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्या कहते हैं हम, लाइट का। लाइट में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं, तो डीप का मतलब डेंस, और ये भी हमने P4 की प्रैक्टिस में भी किया हुआ। खैर अगर थ्योरी में नहीं पढ़ा तो इसमें भी याद होगा, मैंने लाइट के एंड में क्वेश्चंस बनाए थे सारे, तो उसमें भी हमने डिस्कस कर लिया था। और शैलो का मतलब है रेयर, ठीक है। अगर हम इसको लाइट के साथ कंपेयर करें तो आपको याद होगा जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करते हुए हम क्या करते हैं कि नॉर्मल बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मल बनाने के बाद फिर हम हर मीडियम के साथ कंपैरिजन करते हैं, और फिर हमें पता चलता है कि कौन सी आपके पास वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिचुएशन आपकी कुछ इस तरह से होगी कि जब आप डीप टू शैलो जाते हो या डेंस टू रेयर जाते हो, तो डेंस टू रेयर जाते वक्त आप अवे फ्रॉम नॉर्मल मूव करते हो या टुवर्ड्स नॉर्मल, सबसे पहले ये सोचो आप। और इसी तरह से जब आप रेयर टू डेंस जाओगे तब आपकी मूवमेंट कैसी होगी। तो फर्स्ट वाले का आपने कहा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा, ऐसा ही है। ठीक है, इसको एक बार दोबारा सोचो। और अच्छा, अभी तक जो कहा है वो मतलब 50-50 है, कुछ ने कहा टूवर्ड्स होगा, कुछ ने कहा अवे होगा, इस तरह की सिचुएशन है, ठीक है। अच्छा, अब आप ना अगर इसमें कंफ्यूज हो जाया करो ना, तो आपको पहले भी हमने शायद डिस्कस किया हो कि जो ऑप्टिकल फाइबर का टॉपिक था आप उसको याद कर लिया करो। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि जब हम ऑप्टिकल फाइबर का प्रैक्टिकल हम उसकी वीडियो देख रहे थे, तो उसमें भी हमने देखा था, उसमें एक सेमी सर्कल जो है वो ग्लास स्लैब था, और उसमें जब लाइट एंटर होती है, तो लाइट एंटर होती है आपके पास, उसमें हमने कंडीशन पढ़ी थी डेंस मीडियम की कि आपके पास लाइट डेंस टू रेयर ट्रेवल करना चाहिए। तो जब आप डेंस टू रेयर मीडियम में जाते हो, तो डेंस टू रेयर का मतलब क्या हुआ कि आप अवे फ्रॉम नॉर्मल उसमें मूव होती है लाइट, या टूवर्ड्स नॉर्मल, अवे ठीक है, अवे होती है। तो इसका मतलब है डेंस टू रेयर में अवे होगी और रेयर टू डेंस में आपके पास टूवर्ड्स होगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए अब आप देखो कि कौन सा आंसर पॉसिबल होगा आपके पास। आप जा रहे हो डीप टू शैलो, यानी डेंस टू रेयर ही जा रहे हैं हम एक तरह से, और वेवलेंथ को भी चेक करना है, ठीक है। वेवलेंथ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली यहाँ पे अगर एंगल का वो रेफरेंस नहीं दे रहे ना, तो वो आपसे वेवलेंथ का रेफरेंस पूछ रहे होंगे, ठीक है। तो हम पहले ए को चेक करते हैं। अच्छा, ए में क्या है कि ए में वेवलेंथ का फैक्टर सही नजर आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन भी थोड़ी बहुत आपके पास चेंज है, बेंडिंग हो रही है। बी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, बी में देखो वेवलेंथ गलत शो की है, वेवलेंथ यहाँ पे गलत रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे वेवलेंथ शॉर्ट है, यहाँ पे ग्रेटर कर दिया, तो बी तो कैंसिल आउट हो गया। बेसिकली वो इसमें आपसे वेवलेंथ का रेफरेंस पूछना चाह रहे हैं, एंगल का रेफरेंस उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। यहाँ पर सी में आपके पास क्या हुआ कि सी में बिल्कुल सही है, और डी में अगर हम देखें तो डी में भी वही वेवलेंथ का प्रॉब्लम आ रहा है, डी में उन्होंने वेवलेंथ को बहुत शॉर्ट कर दिया, तो बी और डी तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब ए और सी में से आपने चूज करना। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपके पास? बिल्कुल सही, लार्ज वेवलेंथ होती है डीप में आपके पास, और शॉर्ट होती है शैलो में। तो सी ऑप्शन आपके पास राइट होगा। यस सर, कॉज ए में जो है वो आपका नॉर्मल से बहुत करीब है रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपने वेवलेंथ से भी आपको आइडिया हो गया, क्योंकि हम एंगल तो चेक कर लेते लेकिन हम वेवलेंथ को स्किप कर देते हैं, तो सारे फैक्टर्स को हमने चेक करना होता है। तो अच्छा, इसमें कि द डायग्राम शोज डिफरेंट व्यूज ऑफ अ वाटर वेव इन अ रिपल टाइम,
विच लेटर रिप्रेजेंट्स अ वेवलेंथ एंड अ वेव फ्रंट। इसमें अब लेटर बताने कौन सही रिप्रेजेंट कर रहा है वेव फ्रंट को और वेवलेंथ को। ठीक है, इसमें पी क्यू आर एस चार अलग अलग कंपोनेंट्स आपके पास लिखे हैं और उसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपके पास कंपोनेंट बिल्कुल सही डायरेक्शन कंपोनेंट्स को शो कर रहा है। अच्छा, बेसिकली अगर हम जर्नल देखें तो पी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और क्रस्ट सीन फ्रॉम अबव, तो इन्होंने क्रस्ट को ऊपर से दिखाया है बेसिकली। तो पी वेवलेंथ का मतलब है या तो ए होगा या तो बी होगा, सी और डी को तो कैंसिल आउट करते हैं। वेव फ्रंट देखना है, अब वेव फ्रंट में आर वेव फ्रंट होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब हम ऊपर से देखेंगे तो एक ही क्रस्ट के पॉइंट्स होने चाहिए, तो ये एक ही क्रस्ट के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आर आपके पास वेव फ्रंट होगा और पी वेव लेंथ होगा, ठीक है, क्लियर, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपके पास ऑलमोस्ट इसमें भी आपके पास कुछ वेवलेंथ का डिफरेंस दिया हुआ है, कुछ स्पीड दी है, और वेवलेंथ स्पीड के बाद उन्होंने आपसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव इन शैलो वाटर। उन्होंने आपको डीप वाटर की वेवलेंथ दे दी, ये डीप वाटर की वेवलेंथ है और ये डीप वाटर की स्पीड है, ठीक है, और उन्होंने आपको वेवलेंथ दे दिया शेलो वाटर का और वो आपसे कह रहे हैं कि आप स्पीड कैलकुलेट करो शेलो वाटर की। तो कोई आइडिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आपको पता है फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो इसका मतलब ये कि अगर आप वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा यूज करते हो तो एफ तो दोनों में सेम रहेगा, और वी डिवाइड बाय लैम्डा कर लेंगे हम, वी डिवाइड बाय लैम्डा दोनों तरफ रेशियो कर लेंगे, एक तरफ शेलो एक तरफ डीप, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, और आप इससे कैलकुलेशन कर सकते हो और स्पीड फाइंड आउट करनी है आपने वी एस, तो वी एस इक्वल हो जाएगा वी डी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा एस डिवाइडेड बाय लैम्डा डी, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आप चेक कर लेना अच्छे, इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट है, तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सेम यूनिट्स के साथ सॉल्व कर सकते हो। तो ए आंसर आ रहा है, आप भी चेक कर लेना अपने पास। अच्छा, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर ऐड हो गया, ये वेव्स का नहीं है, ये एवोपरेशन के ऐड हो गए फैक्टर्स। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने चेंज किया ना, यूनिट कन्वर्ट किया है। अच्छा देखो, इसमें आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकंड और आंसर्स भी सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो इसमें यूनिट कन्वर्जन और नहीं है। कैसा आ रहा है? फोर फोर आ रहा है आंसर, एक मिनट में देखते, सिक्स मेरा नहीं, मेरा तो 64 आ रहा है। 64 आ रहा है, एक मिनट। वेलोसिटी इन्होंने आपको दी थी 9.6 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ था 0.8 डिवाइडेड बाय 1.2, 6.4 आ रहा है। आपने शायद वेवलेंथ मिक्सअप ना कर दिया हो, मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, एक बार वैल्यूज चेक कर लेना, क्योंकि मैंने सिंबल्स इस तरह से लिखे हैं। तो 9.6 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा एस ये रहा 0.8 और डिवाइडेड बाय लैम्डा डी 1.2। ओके सर, मैंने ना गलती से 8 लिख दिया था 0.8 के बजाय। थैंक यू। ठीक है, क्योंकि वो असल में मार्किंग्स इतनी सारी हो जाती है ना। खैर, अच्छा ये दो क्वेश्चंस फिलहाल स्किप कर देना, ये थर्मल के ऐड हो गए बाय मिस्टेक यहाँ पर, और ये वाला भी देख लो एक।
इसमें क्या कहा है, स्पीड ऑफ द वेव। अच्छा, वेव्स का सेक्शन के लिए हमारे पास टाइम है भी, हमारे पास 2 दिन भी और है कि, तो अभी हम जर्नल भी डिस्कस कर लेते हैं। तो साउंड और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो बहुत शॉर्ट है, तो वो एक साथ हो जाएगा। लाइट पे टाइम लगेगा, तो कल हम लाइट का पूरा सेक्शन भी कर ले अगर, तो कोई मसला नहीं है। तो तब भी हम जो है वो साउंड और वो एक दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज क्योंकि मैथ्स के पेपर की वजह से लेट की थोड़ी क्लास, तो बाकी अब तो अब आपने फिजिक्स ही करना है और केमिस्ट्री के लिए टाइम होगा। तो कल हम लाइट करेंगे कंप्लीट जितना जल्दी हो सके, और क्योंकि उसका सेक्शन डिटेल्ड होगा, और फिर हमारे पास रह जाएगा साउंड और वो, फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी, वो सबसे मेजर अब टॉपिक रह जाएगा, और बाकी फिर न्यूक्लियर और स्पेस तो बहुत शॉर्ट है। इसमें अब आपने करना ये है कि स्पीड गिवेन है दोबारा से आपके पास 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वेव क्रॉसेस अ बाउंड्री पी क्यू वेयर द डिस्टेंस। अच्छा, पहले डिस्टेंस कुछ डिफरेंट था, अब डिफरेंट है, यानी पहले डीप वाटर था, बाद में शेलो है। अब वो पूछ रहे स्पीड क्या होगी एट एस। तो बेसिकली इनका कंसर्न वही है सेम जो पिछले क्वेश्चन में था, कि वो आपसे स्पीड पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो सेम वही आप रेशियो मेथड से कर सकते हो। आई थिंक सारी वैल्यूज इन्होंने दी हैं हमें, वेवलेंथ भी दिया है इन्होंने, ये वेवलेंथ है हमारा डीप वाटर का, और ये स्पीड है हमारी डीप वाटर की, और बाद में जो वेवलेंथ है ये शेलो वाटर का है, और आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है शेलो वाटर की। तो सेम वही रेफरेंस यूज करोगे, वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपके पास रिपीट किया है इन्होंने। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपको सेम मिलता जाए तो इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है, यूनिट्स भी चेंज नहीं किए, क्योंकि जब कैलकुलेशन इस तरह की होती है तो इस वजह से वो फिर यूनिट कन्वर्जन नहीं देते, क्योंकि टाइम स्लॉट भी देखना होता है कि आप उस टाइम में उसे कर पाओ। अच्छा, इसमें आपके पास दो डिफरेंट रेंजेस दी हैं, मतलब अलग अलग मीडियम है बेसिकली। अब इन्होंने पूछा व्हाट कॉजेस दिस रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन आपके पास यहाँ पर क्यों हो रहा है। सी अ चेंज इन स्पीड ड्यू टू चेंज इन डेप्थ, डेप्थ चेंज हो रही है तो स्पीड आपके पास चेंज हो रही है, और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो सी ऑप्शन राइट होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी देखकर भी आप इजीली आइडिया कर सकते हो। ऑल थ्री अदर ऑप्शन, जी बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी अब इतना तो आइडिया हो गया कि हम बिना सोचे भी फ्रीक्वेंसी को माइनस करते हुए आंसर मार्क कर सकते हैं। ये भी सेम दिया उन्होंने, फिर से वही क्वेश्चन है आपके पास स्पीड, और दोबारा से इन्होंने दो वेवलेंथ दी है, तो ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, एक ही तरह का क्वेश्चन है और ये कंसेक्यूटिवली रिपीट हुआ है, और ये वेव फ्रंट वाला फिर से रिपीट हुआ, ये सबसे पहला क्वेश्चन था। अच्छा हाँ, अब जो आप वो ग्राफ वाले क्वेश्चन में वैल्यू का कह रहे थे, तो अब कुछ जब ग्राफ बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं फिर इसमें आप मार्किंग अपनी चॉइस से कर सकते हो, इसमें आंसर में मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि इसमें एक ही यूनिफॉर्म ग्राफ होता है, इसमें आपने फ्रिक्वेंसी बतानी है। अब फ्रीक्वेंसी का आपके पास डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें सोच के बताना आप बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो और फ्रीक्वेंसी में हम ये डिस्कस करते हैं कि ये नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, यानी वेव्स को आप टाइम से डिवाइड करते हो, तो वेव्स आपके पास टोटल यहाँ पर कितनी जनरेट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ तक एक वेव जनरेट हो रही है, एक क्रस्ट एक ट्रफ, और यहाँ पर दूसरी वेव जनरेट हो रही है, इसका मतलब दो वेव जनरेट हो रही है, और टाइम कितना है, 4 सेकेंड्स का। तो दो वेव 4 सेकेंड्स में जनरेट हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर आपके पास होगा बी, मतलब 1 सेकेंड में, और आपको दिख भी रहा है वैसे भी, अगर आप डायग्राम में भी देखो तो 1 सेकेंड में देखो हाफ वेव है, सिर्फ क्रस्ट आ रहा है, ठीक है, ट्रफ है ही नहीं, तो हाफ वेव कंप्लीट हो रही है इन 1 सेकेंड। तो बस देखो, आप डायग्राम से भी आइडिया ले सकते हो, लेकिन बस एक जर्नल जो कॉन्सेप्ट होता है, प्रॉपर मेथड होता है, उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें एक साइंटिफिक मेथड बताया है,
तो हमें मेथड फॉलो करना होता है, क्योंकि एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज में तो वर्किंग नहीं देखी जाती। तो अगर मैं सिखा भी दूँ डायग्राम से ऐसे करना, तो फिर प्रॉब्लम पता है क्या होगा, जब आगे आप कहीं थ्योरी में कर रहे होगे ना, तो थ्योरी में जब आप ये स्टेप लिखोगे तो वहां मिस्टेक होगी, क्योंकि प्रॉपर मेथड है आपके पास, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन आप उससे कैलकुलेट करो। अब आप इस चीज को डायग्राम में मार्क कर दोगे, अब आप इसको वर्किंग में कैसे शो करोगे? तो इस वजह से जो है वो हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। थ्योरी मतलब ये कि अभी नहीं, ओ लेवल्स में नहीं, क्योंकि अब तो P1 ही देना आपने, आगे कभी आप जब थ्योरी सॉल्व करोगे, कभी फिजिक्स पढ़ते हो ए लेवल्स में या आगे, तो फिर हमें साइंटिफिक मेथड हमारे क्लियर होने चाहिए, बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना आगे कॉन्सेप्चुअल फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, इसमें भी कुछ डायग्राम फॉर्म में क्वेश्चन दिया है, और उन्होंने कहा है कि सक्सेसिव पीक्स का डिस्टेंस 0.60 है, मतलब क्रस्ट की बात कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी 2.5 हर्ट्ज है। तो फ्रीक्वेंसी दिया उन्होंने और बेसिकली वेवलेंथ दिया उन्होंने, वह पीक्स का वर्ड लिखकर कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन आपको डायग्राम से आइडिया हो रहा है क्रस्ट है या ट्रफ भी ले लें, कोई मसला नहीं है। और उन्होंने कहा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ वेव टू ट्रेवल 3 मीटर अलोंग द स्प्रिंग, डिस्टेंस उन्होंने दे दिया और टाइम आपसे वो पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बी, अच्छा मैं वर्किंग की थोड़ी सी बता दूं। अब हमारे पास स्पीड नहीं है, तो पहले हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे वी इक्वल्स टू एफ लैम्डा से, ठीक है? स्पीड का एक मिनट मैं आंसर निकाल लेता हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन। एफ था हमारे पास 2.5 और वेवलेंथ है 0.6, 1.5 स्पीड आ रही है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब इससे हमें कोई वो नहीं है, उन्होंने हमें पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू मेक फॉर अ वेव टू ट्रेवल 3.0 मीटर। तो इसका मतलब ये स्पीड आ गई, अब हम स्पीड का फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है? बिल्कुल, तो अब आपने टाइम कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिस्टेंस 3 है, स्पीड 1.5 है, तो 2 आंसर आ जाएगा, सी आंसर, ठीक है? तो 2 सेकंड्स। और बाकी इसमें जो एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट जाता है ना, वो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो टी इज इक्वल्स टू 1/f की तरफ चले जाते हैं, हालांकि उन्होंने टाइम पीरियड पूछा नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो टी इक्वल्स टू 1/f लगा देते, क्योंकि उनको लगता है ये भी टाइम है। उन्होंने टाइम पीरियड नहीं पूछा, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि 3 मीटर का डिस्टेंस। टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन या 1 वेव, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसलिए हमारी वर्किंग बिल्कुल सिंपल सी थी। अच्छा, अब ये वाले क्वेश्चन भी सिंपल है, अभी हम ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन देख कर आए। और अब ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चंस एंड है, 42 क्वेश्चंस थे इसमें। अब आपने हर तरह के क्वेश्चंस देख लिए हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, ये वाला भी रिपीट हुआ है, ये वही ग्लास ब्लॉक वाला है, बस इन्होंने इसमें सर तो पिछले वाले में हमने ये बताना था कि पी एनर्जी है तो पी ही मूव करेगा ऊपर अच्छा वापस दोबारा। हाँ, इसमें ये था कि विच व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, 2 पॉइंट्स है और क्यू, वेव इज मूविंग इन द डायरेक्शन शोन, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। अब इसमें आपके अब देखो क्या होगा कि क्यू ऊपर की तरफ जाएगा और नो पी आई नीचे थिंक की तरफ यही आएगा। आंसर होगा राइट right? अच्छा कि हमारे पास अगला लेकिन पॉइंट पी आएगा ना दोबारा तो हाँ, लेकिन इसमें ये होता है कि पी और राइट क्यू, साइड मूव होगा। अब इसमें आपके पास जो वेव ऑन अ स्ट्रिंग है 2 पॉइंट्स पी और क्यू, और इसमें जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है, तो इसमें आपके पास क्या होगा कि क्यू जो है वो अप एंड डाउन मूव करेगा, और पी, पी आपके पास पार्टिकल है, पी भी अप एंड